वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस न्यू सीरीज में। इस सीरीज का नाम है यू मी एंड ट्रेड। जैसा कि आप थंबनेल्स देख रहे हो, इस थंबनेल्स में हमने जो डिस्कस आज करने हैं वो है कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। इन सारे चार्ट पैटर्न्स में बहुत सारे टेंस डिफरेंट काइंड ऑफ द चार्ट पैटर्न्स होते हैं। उन सारे चार्ट पैटर्न्स पे हमें डिस्कस करने हैं, लेकिन उन सारे चार्ट पैटर्न्स में इस वीडियो में आज जो हम डिस्कस करने वाले उस टॉपिक जो हमने चूज किया, इस टॉपिक्स का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में जैसा कि आप इस पूरे थंबनेल्स को देख रहे हो और हमने लिखा है नंबर वन यूनिक कॉन्सेप्ट 100% प्रॉफिट गारंटेड मास्टर क्लास, ये सारी चीजें हमने आपके लिए लेके आया है ताकि आप जो भी वीडियोस आप हमारा देख रहे हैं उन सारे वीडियोस को देखने के बाद आपको चार्ट पैटर्न्स में कहीं भी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए यूनिक है और उस कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करते हैं तो आप 100% प्रॉफिटेबल जरूर बनेंगे। तो ये तरीका क्या है और ये काम कैसे करता है, राइट? इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको जानना है तो आपके लिए ये वीडियो है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को देखें तो ये लगभग इस तरह से दिखता है। इसमें होता क्या है, कोई भी जो मूवमेंट्स हायर हाई मूवमेंट का जो बन रहा है, बुल साइड्स का मूवमेंट बना, उसके बाद एक लोअर साइड्स का मूव बनेगा, बेरिश साइड्स का मूव बनेगा, फिर अगेन जो मूवमेंट बन रहा है हायर हाई बनाएगा, मींस बुल साइड्स का मूवमेंट बनेगा, अगेन उसके बाद टॉप में जाने के बाद फिर नीचे के बनेगा की तरफ बनेगा, तो दैट मींस फिर नीचे की तरफ बनेगा, अगेन ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। दैट मींस इस ऐसे लाइंस को हम आर्म्स बोलते हैं और इस तरह के साइड्स को हम शोल्डर बोलते हैं, और सिमिलरली इस अपोजिट साइड डायरेक्शन में भी सेम तरह का पैटर्न्स बन रहा है, तो हमें दोनों साइड के पैटर्न्स को हम शोल्डर्स बोलते हैं, और इसके पीछे इस ये जो लाइन्स है ये लाइन्स को हम हैंड्स बोलते हैं, ये भी लाइन्स को हैंड बोलते हैं, और ऊपर के ये पार्ट को हम हेड बोलते हैं। इसीलिए हमें ये कंप्लीट जो पैटर्न्स दिख रहा है वो पैटर्न दिखता है हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न्स को। तो अगर हम कंसिडर करें दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, यस दिस इज द हेड इज कम इन द सेंटर एंड shoulders is the left side shoulder and right side shoulders is occur, and so this is the pattern is look like a head and shoulders pattern। so hame is patterns pe kaise discuss karna hai, kaise hame trade karna hai। jaisa ki aapko humne pehle discuss kiya complete candlestick patterns mein, jisme humne discuss kiya tha hammers, inverted hammers, dozy, long dozies, okay, rabbit's tongs dozy, and शूटिंग स्टार्स, स्पिन एंड इवनिंग स्टार्स, मॉर्निंग स्टार्स, एंड दीज मेनी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स एंड इंगल्फिंग्स, राइट? सो दीज मेनी कैंडलस्टिक्स पैटर्न इज गोइंग टू बी हेल्प यू आउट हियर्स, राइट? सो जस्ट गो थ्रू, सपोज यू डोंट हैव आइडियाज हाउ वी हैव टू बी नो दैट द कैंडलस्टिक पैटर्न, देन देयर इज अ कंप्लीट सीरीज ऑफ वीडियो सीरीज वी हैव, and just go and check the all the kinds of the videos, definitely is that video is going to be help you out to understand how the candlesticks patterns behaving and how we have to trade if a candle patterns going to be generated during the live market, right? So now agar hum iski baat kare to head and shoulders mein yahan pe hum baat kare to iske neck line do teen points bahut zyada important hote hain। agar hum previous slide mein chal ke dekhe to ye jo hamara lines hai isko neck lines bolte hain। नेक मीन्स गला, और गला का लाइंस बनता है गले के ऊपर ही हेड बनेगा, गले के राइट साइड शोल्डर बनते हैं, गले के लेफ्ट साइड एक शोल्डर्स बनते हैं। तो ये जो नेक लाइंस है, नेक लाइंस दैट मीन्स इज जहां से हमारा नेक्स्ट टारगेट्स, नेक्स्ट बुल साइड हिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द अगेन मीन्स फ्रॉम द डाउन साइड, एंड डाउन साइड के बाद जो डायरेक्शन चेंज होकर अप साइड बनता है, ये जो लाइन्स है दिस इज कॉल्ड द नेक। अनदर साइंस साइड में भी अगर हम देखें तो सेम अप से डाउन की तरफ आ रहा है, दैट मीन बेयर साइड्स हो रहा है, बेयर साइड्स के बाद अगेन ऑन बुल साइड्स बन की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट नाउन डाउनवर्ड्स हो रहे हैं, मीन्स बैक साइड्स मीन्स डाउनवर्ड साइड्स में आ रहे हैं, बेयरिश साइड्स में आ रहे हैं। तो ये जो लाइन्स हमारा मीन्स दे रहा है इसी लाइन्स के ऊपर में, दैट मीन्स इस सपोर्ट्स के, ये दिस इज द जनरेटिंग द सपोर्ट्स, एंड फ्रॉम द सपोर्ट्स पे ही आके रुकता है, उसके बाद अप जाता है, फिर आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन की तरफ में जाता है। सिमिलरली अगर हम इस पैटर्न को देखें तो आपको ये समझने की बहुत ज्यादा तरीके हैं। अब सबसे पहले कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनता है, एक लाइन आपने यहाँ पे खींचा,
तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से जस्ट हमने लाइन खींचा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने वाला है या नहीं। नाउ यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या हमें यहाँ पे ट्रेड हमें बनता है या नहीं बनता है। आप अगर देखोगे तो ये क्या है आप मुझे बताओ ये क्या है, उसके बाद ये क्या बना ये भी आपको बताने पड़ेंगे राइट। तो अगर हम इस दोनों कैंडल्स को हम चेक करके देखें तो ये कैंडल्स हमें दिखाता है कि आपको नीचे की तरफ में जा रहा है, ये हमर्स के रूप में बन रहा है। बट इसमें अगर बहुत ज्यादा बॉडी थोड़ा सा लंबा है हमर्स से बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये हैंगिंग मैन की तरफ दिख रहा है राइट। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये हैंगिंग मैन हमें ये डायरेक्शन दिख रहा है कि नेक्स्ट डाउन में हमें जा रहा है, दैट मीन्स ये डाउनवर्ड्स की तरफ में जाएगा। यस अनदर कैंडल इज गोइंग टू बी डाउन, बट दूसरा नेक्स्ट थर्ड कैंडल्स जो हमें जनरेट हो रहा है इस थर्ड कैंडल्स में यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल्स बन रहा है। दैट मीन्स अगर आप ये चेक करोगे तो इसके जो विक्स हैं और ये विक्स यहीं पे आके कनेक्ट करता है, स्टॉप लेता है, एक सपोर्ट्स की तरह काम कर रहा है और यहाँ से पुश बैक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सॉरी अगर आप यहाँ पे देखेंगे दो डोजी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये दो डोजी हमें ये कन्फर्म कर रहा है कि आगे आने वाला जो मूव है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही मूव है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें एंट्री लेना है, इस जगह पे एंट्री लेना है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। अब हमें क्या करना है, जब हम इसमें आए गए तो एक रेड कैंडल्स बन रहा है, अगेन ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है। आप मुझे ये बताओ ये ग्रीन कैंडल्स हमें क्या दिखा रहा है, इस तरह के पैटर्न्स क्या कहते हैं जो हमने आपको ये बताया, ये पैटर्न्स एंगल फिंग पैटर्न्स जनरेट हो रहा है। ये एंगल फिंग पैटर्न्स क्या है वो भी आपको मैंने उसमें कंप्लीट रूप से कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमने डिस्कस किया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि एंगल फिंग कैंडलस्टिक क्या है। कि एंगल फिंग कैंडलस्टिक क्या होता है कि ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल्स है मीन्स अपवर्ड मूवमेंट्स है, बुलिश साइज के जो मूवमेंट्स बना रहे हैं, इससे पहले जो रेड कैंडल्स बना ये रेड कैंडल्स दैट मीन्स बेरिश साइज कैंडल्स, That means selling sides जो pressure है वो pressures bearish sides के sorry bull side के pressures से कोई impact selling sides के pressures पे नहीं पड़ रहा है। In fact जो bull sides का pressure है बहुत ज्यादा आया है, इसलिए जो bearish sides के pressures को bull side के pressures ने complete तरीके से इसको engulfing कर लिया है, means अपने में समा लिया है। Then इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो अपवर्ड ट्रेंड्स है वो लगातार हमारा बना हुआ है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, अब हमें इसमें बने रहना चाहिए। तो आपके ट्रेड अगर यहाँ पे देखते हैं तो फिर एक छोटा सा हमें क्या बन रहा है, डोजी कैंडल्स बन रहा है, इसके बाद ये स्पिन कैंडलस्टिक बन तैयार हो रहे हैं, इसमें दो स्पिन कैंडलस्टिक बन रहे हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे देखें तो ये हैंगिंग मैन की जगह पे इन्वर्टेड हमर्स बन रहा है, इन्वर्टेड हमर अगर टॉप पे बनता है तो हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसमें पड़ते हैं, बट वहाँ पे शूटिंग स्टार्स की तरफ जनरेट होती है, बट शूटिंग स्टार्स हमें यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, जस्ट इंडिकेट दिखा रहे हैं कि ये ऊपर नीचे की तरफ जाना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगातार कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं और इसका बहुत ज्यादा एक तरफ ही बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर कैंडल स्टिक को देखते हैं अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में ही दिखा रहा है तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए और अपवर्ड का जो भी हमें हाईर हाई बनता है उसके प्रॉफिट को जनरेट करके बाहर निकल जाना चाहिए। नाउ अब अगर आपके ऊपर जा रहा है तो उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है इस टॉप के बाद वो डाउनवर्ड साइड में बन रहा है, दैट मींस रेड कैंडल्स जनरेट हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए एज अ ट्रेडर्स, यस दिस इज द राइट टाइम्स वेयर वी हैव टू बी यू नो मेक योर ट्रेड एंड टेक योर पोजिशंस फॉर डाउनवर्ड साइड इन दैट मींस बेयर साइड्स वी कैन से। नाउ अब क्या हो रहा है, मीन सपोज हम यहाँ से गए इस ट्रेड्स में यहाँ तक हम आए, यहाँ पे हमने प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स को हमने वेट एंड वॉच किया और नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या बनता है बेरिश साइड में बनना है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ का होगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल स्टिक्स के यहाँ पे इस विक्स के ऊपर होगा राइट। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद यहाँ पे आने के आसपास हम इसको आने देंगे नीचे आने देंगे, क्योंकि आप इसमें ये देखोगे नेक्स्ट कैंडल्स हमारा क्या बन रहा है, इस रेड कैंडल्स के बाद हमारा जो ग्रीन कैंडल्स बन रहा है वो भी इन्वर्टेड हमर्स के बजाय शूटिंग स्टार्स के तरफ बन रहा है, तो ये डाउनवर्ड साइड में ही दिखेगा हमारा। इसका मतलब ये है ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में प्राइस का प्रेशर ऊपर की तरफ में बन रहा था, बुल की तरफ वो सपोर्ट नहीं कर पाया, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ से जो कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन जो दिख रहा है वो बेरिश साइड की तरफ ही दिख रहा है, तो हमें इस पोजिशन में बने रहना है। अगर हम बनते रहते हैं तो हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक प्रॉफिट बहुत अच्छा हमें जनरेट करके
दे रहा है। तो आप अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंप्लीट रूप से एक ऊपर जा रहा है बुल साइड में, अगेन वेरी बेरिश साइड में बन रहे हैं। अब क्या हो रहा है, दैट मीन्स दिस लाइन्स दिस वीक्स एंड दिस वीक्स, जस्ट आई ड्रॉ द लाइन फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस वन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नेक्स्ट फॉर द सपोर्ट एज वेल। सो हाउ, अगर यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं, अगेन ये कैंडल्स बहुत छोटा सा बन रहा है, दैट दिस कैंडल इज कॉल्ड द स्टार, विच स्टार आई वुड से मॉर्निंग स्टार्स, राइट, एंड अगेन दिस वन इज सेइंग इज हमर, दिस वन सेइंग इज हमर, एंड नाउ दिस वन इज कैंडल्स पैटर्न जो बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, ये हमारा डॉजी बन रहा है, और वो किस तरह का डॉजी है, लॉन्ग वीक्स डॉज, और अगेन ये जो हमारा ये बन रहा है वो शूटिंग स्टार्स इन्वर्टेड हमर्स भी हो सकते हैं, और ये तीनों यहाँ पे कितने तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, ये सारे पैटर्न्स हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ से प्रेशर प्राइस सेक्शंस के बेयर साइज के प्रेशर तो बन रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारा जो मार्केट है यहाँ पे प्राइस सेक्शंस जो यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे सस्टेंस कर रहा है। जब कोई प्राइस एक ही जगह पे सस्टेंस कर रहा हो, एक ही जगह पे प्राइस और कैंडल्स मूव कर रहा हो, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि यहाँ से बेरिस होने के चांसेस नहीं है, अब यहाँ से बुलिस मार्केट के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको एक एक कैंडल स्टिक्स के पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सारी चीज कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी है उसको आपको देखना है और समझना है कि ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारे बन रहे हैं लाइव मार्केट में, वो सारी चीजें आपके पास हों, पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास हों, ताकि आप इस पे अच्छे तरीके से काम कर सके। नाउ इसके बाद क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे दूसरा जो ग्रीन कैंडल्स हमारा बना है जो स्पिन की तरह काम कर रहा है, जहां ये जब आप स्टैंप खेलते हैं ना, जब क्रिकेट का आप खेल रहे होते हैं, जो बैट आपके विकेट होता है उस विकेट के ऊपर में जो स्टैंप्स होते हैं, राइट, सो उस तरह से ये हमारा कैंडल्स दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल्स बन रहा है, अब ये कंप्लीट क्या हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ से अब मूवमेंट ऊपर की तरफ ही बन रहा है। अगर आप इस ट्रेड में बने रहते हो तो एक बहुत अच्छा बुल्स जो आपको दिख रहा है मार्केट्स का, आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। इसके बाद एक टॉप गया है, और टॉप पे जाने के बाद यहाँ से जो हायर हाई बना है उसके बाद नीचे की तरफ जो दिख रहा है कि ये मार्केट्स अब किस डायरेक्शन को ले रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉम हियर टू हियर इज बुल मार्केट, अगेन फ्रॉम द डाउनवर्ड इज गोइंग टू बी बेयरिश मार्केट। आपको एक चीज बहुत ज्यादा चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप रियल मार्केट्स में काम कर रहे होंगे, जैसे ही एक रेड कैंडल्स बनता है हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, बट आपको एक चीज देखना पड़ेगा हमेशा, आपको ये देखें कि जब भी कोई एक कैंडल्स बन रहा है, आप ये मत देखें कि इसमें रेड कैंडल बन रहा है कि ब्लू कैंडल्स बन रहा है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक कैंडल्स बना, वो किस तरह का बन रहा है, हमर्स की तरफ, डोजी की तरफ, राइट, अगेन एक छोटा सा स्टार की तरफ, बट इसमें हम डोजी ही बोलेंगे, इसको स्टार ना बोलेंगे, डोजी की तरफ कंपाउंड काम कर रहा है। नाउ अगेन ये डोजी की तरफ है, वन साइड वन वीक्स है, हमर्स भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो पैटर्न हमें क्या देखना है, ये ऊपर के ये वीक्स यहाँ पे है, दूसरा वीक्स कहाँ है, यहाँ है, तीसरा वीक इससे ऊपर ही है, चौथा ये ग्रीन कैंडल से डरने की जरूरत नहीं। अब पांचवा जो कैंडल्स यहाँ पे बन रहा है वो भी इसके लाइन से ऊपर ही है, दैट मीन्स इसके जो स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे बनाए तो इसने ब्रेक नहीं किया है, उसके बाद यहाँ से जो ग्रीन कैंडल्स में ऊपर की तरफ ही है, अगेन जो रेड कैंडल्स बनाए टॉप से नीचे की तरफ आया वो भी ग्रीन कैंडल्स के जो विक्स है उससे ऊपर ही है। नाउ अगेन ये जो ग्रीन कैंडल्स बनाया है वो रेड के ऊपर ही है, उसके बाद जो रेड कैंडल्स यहाँ पे बना है वो भी ग्रीन कैंडल्स के टॉप पे ही बना है, इसके विक्स तक को टच नहीं किया, राइट, टच किया और यहाँ जो प्राइस एक्शन होके यहाँ पे कंट्रोलिंग हुआ है, यहीं पे मूवमेंट जो हुआ है वहां तक नहीं आया। अगेन नेक्स्ट कैंडल्स जो बना है वो इससे बहुत अच्छा हाई हाई बना है, दैट मीन्स अगर फियर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके हम चले, और जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो जो है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी हमेशा ये बताता है, अगर आप बुल साइड में जा रहे हो तो सी साइड में आप बाइंग कर रहे हो तो आपके पास अच्छे खासे 20,000 से ऊपर है, 30,000 40,000 के नियर अबाउट है, तो आप बुल साइड्स का सी को बाय करें, प्लस उसमें आपके सी साइड का 1 means 20 to 30 के बीच में जो भी 40, अगर आपके पास ये देखना है प्रीमियम्स कितना बड़ा है, प्रीमियम्स अगर 200 से ऊपर है देन
आपका वेरिस है, मीन सी का पी, जो सी का हम सेल करेंगे वो 40 रुपीज के नियर अबाउट होना चाहिए। अगर प्रीमियम्स 200 से नीचे है तो हमें जो सी साइड का सेल करना है वो 30 रुपीज और 40 रुपीज के बीच का होना चाहिए। अगर हमारा प्रीमियम्स 100 और 150 के बीच में है तो हमें 20 रुपीज का, 22 टू 30 के बीच का हमें प्रीमियम्स को लेना चाहिए। अगर हमारे पास 6000 टू 10000 के रुपीज हैं तो अगर हम बाई कर रहे हैं किसी भी प्रीमियम्स को, उस प्रीमियम्स क्या जो हमारा नेक्स्ट अदर साइज के प्रीमियम्स को हमें बाई करना है, सपोज सी हमने यहाँ पे बाई किया तो अदर साइज का पी का हमें बाई करना है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ से बेरिस बनना शुरू है तो बेरिस में हमें क्या देखना है, ये एक कैंडल्स बना, नेक्स्ट आप दूसरा कैंडल्स बना है, तीसरा है, वो लगातार आपको नीचे की तरफ जा रहा है। अगेन ये जो कैंडल्स बना है वो ग्रीन कैंडल्स, पहले तो यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ, जब सबसे नीचे गया होगा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, वो ऊपर की तरफ गया, बहुत अच्छा बड़ा कैंडल्स बना है। नेक्स्ट अगेन देखोगे आपको ग्रीन कैंडल्स बना है, फिर जो आपका रेड कैंडल्स वो दिख रहा है वो नीचे की तरफ में ही दिख रहा है, देन इसके बाद एक बहुत बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है रेड कैंडल्स का, जो रेड कैंडल्स कंप्लीटली रूप से टॉप टू बॉटम दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे ले रहे और प्राइस एक्शन प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्लस चार्ट, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न्स को समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ एक अगेन जो मूवमेंट यहाँ से दिख रहा है, एक कंप्लीट हाफ शोल्डर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन चुका है। ये कंप्लीट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स अंदर साइड भी जनरेट होता है तो हमें बनेगा। जब यहाँ से ये पैटर्न्स नीचे आ चुका है तो ये दिखाता है कि यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट 75% आपका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स बनके तैयार हो चुका है। नाउ अब जो मोस्ट, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटीज ये है कि यहाँ से नेक्स्ट अनदर शोल्डर्स बनाने का चांस बढ़ेगा, बनाने का काम करेगा, यहाँ से बढ़ रहा है, फिर अगेन यहाँ से नीचे के वेरियस साइड में जाएगा तो ये कंप्लीट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स बनके तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। अगर आप इसमें जब रियल टाइम्स में देख रहे होगे, रियल टाइम्स में जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स जनरेट हो रहा होता है तो वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होता है कि क्या करने हैं। कभी कभी बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लगता है यहाँ से प्राइस ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट, दिस इज मार्केट, अनसर्टेनिटी मार्केट, नोबडी नोज व्हाट patterns going to be changed, what kinds of the patterns going to be generated and which patterns we have to be buy. Another thing is just candlestick patterns ko behaviors ko check karna hai, dekhna hai chart ko dekhna hai aur uske behalf pe hame trade lena hai. Now risk ki baat karu to yes, risk aapko hamesha dekhna hi padega. Agar aap bearish side ka le rahe ho ya bull side ka le rahe ho, suppose yahan se humne buy kiya, aap bull side ke liye aapko ek buy ek sell to karna hi chahiye. अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो एक साइड सी साइड का अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो पी साइड का भी बाय करना है, सी को बाय करना है, पी को बाय करना है, बट इस तरह के साइड, इस तरह से हमें इसमें काम करने हैं। अब जब इसमें आप काम करोगे, एक अनदर चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब कोई एक्सपायरी पे आप काम कर रहे हो 2 बजे के बाद, 1:30-12 बजे से पहले, मैं आपको बोलूंगा ये चीजें आप 11 बजे से पहले अगर इस तरह के पैटर्न बनने इस पर काम करें तो वेल एंड गुड, बट स्ट्रिक्टली 2 बजे आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है, आप उस मूवमेंट में अगर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो करो, अदरवाइज ये काम आपको उसके बाद नहीं करने। जब जो भी आप इंडेक्स इसमें चुन रहे हैं जिसमें एक्सपायरी नहीं है और किसी और दिन एक्सपायरी होने वाला है, मूवमेंट बहुत अच्छा है, हमें थीटा डीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इशू नहीं होने वाला है, देन आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं अनदर, इसमें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स हमें क्या कहते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकली इस पार्ट पे थोड़ा सा जाना है तो आप जा सकते हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकली में कैसे है। हेड एंड शोल्डर इज अ चार्ट पैटर्न व्हिच अ लार्ज पिक हैज अ स्लाइटली स्मॉलर पिक ऑन ईदर साइड ऑफ इट, ट्रेडर्स लुक एट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न टू प्रिडिक्ट अ बुलिश टू बेरिश रिवर्सल, टिपिकली द फर्स्ट एंड थर्ड पिक विल बी स्मॉलर देन द सेकेंड बट दे विल ऑल फॉल बैक टू द सेम लेवल ऑफ सपोर्ट अदरवाइज known as the neck line. Once the third peak of has fallen back to the level of support, it is likely that it will be break out into the bearish downtrend. Now, अगर हम इस patterns को देखने की कोशिश करें तो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए या आ रहा होगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, एक bearish bullish तरह के patterns बन के ऊपर की तरफ
प्राइस मूवमेंट शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ से बहुत ज्यादा जो हमारा प्राइस एक्शन जो दिख रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही, दैट मीन्स बुलिश पैटर्न हमारे दिख रहा है। देन अगेन ऊपर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सोल्डर्स पैटर्न पे जनरेट कर रहा है और उसके बाद एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि सोल्डर्स पैटर्न जो होते हैं वो आपको एग्जैक्ट सेम की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कभी भी किसी तरह से बन रहा है, हमें उस पैटर्न को समझना होता है, राइट। जरूरी नहीं है कि आपके शोल्डर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पूरे बेस्ट अच्छे तरीके से दिखे, ऐसा नहीं है, बस आपको उसके पैटर्न को डिजाइनिंग को समझना होता है कि ये पैटर्न अब यहाँ से इस तरीके का बन रहा है, इसके बाद किस तरह का मूवमेंट आएगा, ये पूरी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश होना चाहिए और करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जब ये पैटर्न बनना है आप वहां पे जज करना शुरू कर दो, भाई ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न तो है बट है नहीं, ऐसा है तो ऐसा है नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि बिकॉज एवरी डेज मूवमेंट इज गोइंग टू बी चेंज एंड डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एक्शन डिमांड एंड सप्लाई, तो वो कैसे होता है, वो यही होता है, राइट। यहां से ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर से जाने के बाद एक नीचे आया, तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद अगेन ऊपर आ रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, टच करने के बाद ऊपर जा रहा है, ये जो कंप्लीट पैटर्न्स बना है ये शोल्डर्स पैटर्न्स है। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये काफी जिकजैक दिख रहा है और उसके बाद लगातार ऐसे बन रहे हैं, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसमें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि अब ये नीचे जाने की तरफ कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद आप देखोगे अगेन इसी लाइन्स पे, इस नेक लाइन्स के ऊपर में ही बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, आपको वहीं पे जिग-जैग की तरफ बढ़ता रहा है। उसके बाद अगेन दैट मींस दिस साइड इज द सेम शोल्डर्स हैज टू बी जनरेटेड, अनदर साइड अगेन द शोल्डर्स हैज टू बी जनरेटेड, नाउ फ्रॉम हियर टू अगेन गोइंग बैक टू द टॉप, सो बेरी साइड्स आपके जनरेट हो रहे। ये इस तरह के जो पैटर्न यहाँ पे बनना है ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं जहाँ पे हमें काम करना होता है। अगर ये डे, क्योंकि ये हमारा डेली बेसिस पैटर्न है, मीन्स डेली टाइम फ्रेम्स पे हम अभी देख रहे हैं, और डेली टाइम फ्रेम्स पे इस तरह के होते हैं, जैसे आप बैंक निफ्टी निफ्टी को देखोगे तो आपको इस तरह के पैटर्न्स एक एक दिन में काफी देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि अब क्या होने वाला है। तो ऐसे केस में हमें काम करने होते हैं और ऐसे केस में भी हमें चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझना होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आपके पास चार्ट पैटर्न्स के जो पैटर्न्स के तरीके हैं वो अगर आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर सामने में है, आपकी बहुत नॉलेज अच्छा खासा है, एक्सपीरियंस बहुत है, तो आपको उस पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रियलिस्टिक टाइम्स में, रियल टाइम्स में अगर आप 5 मिनट्स पे काम कर रहे हो, 3 मिनट्स पे काम कर रहे हो, 10 मिनट्स पे काम कर रहे हो या 15 मिनट्स पे काम कर रहे हो, तो ये सारे जगह पे ये पैटर्न्स बन रहे हैं। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी आप एक मिनट पे टाइम फ्रेम पे कोई काम ना करें, क्योंकि आपको इस, अगर बिगनर हो प्लीज आप स्कैल्पर बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि आपके वहां पे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैंने अपने पैसे एक मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने बहुत कमाया है, राइट। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ मत करो, क्योंकि वो एक ऐसा डायलमा है जहां पे आप एक मिनट में क्या होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हो रहा है, उसको मूवमेंट्स में हो सकता है आप कैप्चर नहीं कर पाओ, नेक्स्ट कैंडल्स बहुत डाउनवर्ड्स की तरफ में चला जाता है, आपको एकदम समझ में नहीं है वो क्या रहा है। इमीजिएटली आप एंट्री लोगे, इमीजिएटली आप एग्जिट हो जाओगे, आपके जो भी आपके अकाउंट्स हैंगे, जिस जो भी आप ब्रोकर के थ्रू आप जुड़े हुए हैं, वो ब्रोकर्स के आपसे, सपोज आप बैंक निफ्टी में काम करो, उसमें एक बार एंट्री 25 रुपीज़ का, एक बार एग्जिट 25 रुपीज़ का होता है, नियर अबाउट हर बार एंट्री या एग्जिट अगर बात करते हो तो नियर अबाउट 50 रुपीज़ का बनता है। आप जरा सोच लो, अगर आप बाई कर रहे हो अगेन सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो अगेन सेल, अगर ये चूहे बिल्ली का खेल आप खेलते रहेंगे तो आपके एक दिन में ट्रेड मोर देन 100 का बनेगा। 100 का मतलब होता है अगर उसको 50 से गुना डिवाइड कर दो से, तो आपके 50 बनते हैं, 50 इंटू 50 करोगे तो नियर अबाउट 2500 का आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसा ना करो, तो आपके से इससे बचने के लिए आप एक थोड़ा सा बड़ा फ्रेम टाइम फ्रेम्स लो, टाइम फ्रेम वो 3 मिनट्स की जगह पे 5 मिनट कर लो, तो आपको ब्रेकआउट्स भी समझने में आएगा, आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसमें मूवमेंट जो आ रहे हैं एक साइड मूवमेंट वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, तो आपके प्रॉफिट वहां पे बनेंगे। नाउ नेक्स्ट आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न किस तरह से दिखता है आपको, ये जैसे ही कि आपको वहां पे आपको जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा था वो ऊपर साइड में दिख रहा है, अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे साइड में दिख रहा है, जो ऊपर वाला साइड में पैटर्न है वही नीचे वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको डब्ल्यू के स्ट्रक्चर में दिखेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम डब्ल्यू के स्ट्रक्चर में देखें तो क्या होता है, एक लाइन यहाँ से नीचे गया, राइट, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर अगेन ऊपर गया, ये कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न्स दिखता है।
तो ये डब्ल्यू पैटर्न्स भी हमारे विक्स के तरह, हमारे नियर अबाउट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स के तरह ही दिखता है अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए। डब्ल्यू पैटर्न्स क्या होते हैं, ये जो हमारा ये है, ये लाइंस और ये लाइंस दोनों नीचे एक तरफ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो यही लाइंस हमें डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा। बट यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, अगेन ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ बना, ये एक हेड बन गया, अब अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आ गया, ये यहाँ पे एक शोल्डर्स, दूसरा शोल्डर्स बना, अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो ये कंप्लीट रूप से क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न चार्ट दिख रहा है। ये इस तरह के पैटर्न चार्ट तो हमेशा बनते रहते हैं, बट आपको चार्ट पैटर्न को समझना होता है। अगर आपने देख लिया कि यहाँ से लेके एक डाउनवर्ड साइड में गया, फिर एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे बहुत इजी तरीके से समझने की जरूरत है, ये अब लग रहा है ऐसा कि ये डब्ल्यू पैटर्न्स या फिर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स बनने वाला है। देन आपका यहाँ पे जैसे ही कैंडल्स पर हमें ये दिखा रहा है कि नीचे की तरफ अब जाने वाला है, बेरिश साइड प्राइस एक्शन में प्रेशर आने वाला है नीचे की तरफ में, तो हमें यहाँ पे पोजीशन बना लेना चाहिए। और लास्ट में जहाँ पे देखिए, जब तक ये ग्रीन कैंडल्स ना बन जाता है तब तक आप इसमें होल्डिंग करे रहे, और नेक्स्ट जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है आप यहाँ से एग्जिट कर जाए बेरिश साइड साइड्स में। तो आपका यहाँ पे अगर ये हेड ट्रेंड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आपको समझ में आना हो चाहिए एक कैंडल्स दूसरे कैंडल्स के लगभग इक्वल्स बन रहा है, उसके बाद अनदर कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स का बन रहा है, दैट मींस यहाँ से प्राइस एक्शन इज गोइंग टू बी चेंज। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, और यहाँ से एंट्री लेने के पास अनदर नेक लाइंस जो हमारा ये बनना है इस तक का वेट करना है। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आया एक मूवमेंट, यहाँ पे पकड़ा, अगेन यहाँ से नीचे क्या गया। कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यार अगर ये हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है तो ये जो नेक लाइंस है इसको यहाँ पे एक लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ तक टच कर रहा है नहीं। प्लीज डिस्कशंस में आगे बढ़ने से मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है, अगर नेक लाइंस यहाँ पे आपने रेसिस्टेंस बनाया, इस रेसिस्टेंस को ये टच करे तभी नेक लाइंस बनेगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब प्राइस एक्शन मूवमेंट जितना प्रेशर डिमांडिंग होता जा रहा है, आपके प्रेशर ऊपर होते चले जा रहे हैं, और जितना दूर तक जाएगा जाएगा, उसके बाद अगेन नीचे की तरफ आ रहा है। तो पैटर्न किसी तरीके से बन सकता है, बट पैटर्न्स को समझना होता है, राइट? क्योंकि प्राइस एक्शन मूवमेंट अपने तरीके से चलते हैं, उसको कोई नहीं बता सकता है कि आपको यहाँ तक आना है, यहाँ से नीचे जाना है, ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे हमें पैटर्न्स को समझना होता है। नाउ यहाँ से नीचे गया तो हमें ये जो लेफ्ट शोल्डर्स का जो सपोर्ट है, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, सपोर्ट थ्री कैंडल्स का ही है, उसके बाद अगेंस्ट ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो रहा है और वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें इसके बाद अगर हमें ये दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद एक कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद इसके ऊपर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे कहेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट स्टार्ट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट्स के बाद हम देखते हैं कि पैटर्न्स इसमें मूवमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है, तो आपके प्रॉफिट बहुत अच्छे खासे बन सकते हैं। नाउ दूसरा हम इस पैटर्न्स को चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, अगेन लास्ट नेक्स्ट कैंडल्स आपका क्या बन रहा है, रेड कैंडल्स बन रहा है, वो भी रेड कैंडल्स आपके इस विक्स से बहुत ज्यादा लंबा बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके नेक्स्ट जो ग्रीन रेड कैंडल्स बन रहा है, जो प्राइस के नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड में बन रहा है, बेरिश साइड में बन रहा है, तो हमें यहाँ पे एंट्री बन जाता है, हमारा एंट्री इसी जगह पे बन जाता है और हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब हमें वेट करना होता है कि कोई भी प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, हमारा मूवमेंट डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, और जब चेंज होगा तो ये आप इस कैंडलस्टिक को मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं क्या है ये कैंडलस्टिक, किस तरह का है, ग्रीवेज स्टॉन्स बन रहा है या फिर इसको इन्वर्टेड हमर्स बोल सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन्वर्टेड हमर है, और ये इन्वर्टेड हमर है, दैट मीन्स यहाँ पे इन्वर्टेड हमर हमारा बन चुका है, और इन्वर्टेड हमर डायरेक्शन ये बता रहा है कि ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होते हुए भी नीचे की तरफ आया, और नेक्स्ट हमें ये यहाँ पे रेड कैंडल्स बना है, रेड कैंडल्स के बाद हमें लगता है कि ये नीचे, अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ हो तो नीचे भी ही बनना चाहिए, बट इसने क्या किया, ये जो विक्स है इस विक्स से ऊपर, पहले यहाँ पे रेड कैंडल्स ऊपर की तरफ बना होगा ग्रीन, उसके बाद प्राइस को बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, नीचे आया है, फिर भी ये प्राइस इस रेड कैंडल्स के इस विक्स से ऊपर ही बना है। That means इसका जो price action ऊपर ही दिख रहा है, very side, bull side में दिख रहा है, और bull side से ये upward की तरफ दिख रहा है।
अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से अगेन रेड लाइन्स बन रहा है, रेड कैंडल्स बन रहा है, उसके बाद रेड कैंडल्स के प्रेशर दैट मीन्स नीचे की तरफ है, तो आप यहाँ पे एक पोजिशन अनदर बना सकते हैं नीचे की तरफ में। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइन यहाँ आया, यहाँ से एक लाइन यहाँ आया, यहाँ से नीचे गया, और इस जगह के पैटर्न जो बन रहा है वो हमारे कंप्लीट रूप से हेड बन रहा है, राइट। तो एक साइड का हेड एंड शोल्डर्स बन चुका है, दैट मीन्स अगर हम इस साइड को बात करें लेफ्ट साइड का, अब राइट साइड की बात करें, इस तरह का बन गया है, तो हमें एक समझ में आता है वो हो सकता है ये अब अगेन कौन सा पैटर्न बनाने वाला है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने वाला है। दिस इज जस्ट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम हियर, राइट। सो अब यहाँ से क्या होता है कि हमें कैंडल पैटर्न को बार बार समझने की जरूरत है, ये किस तरह का बन रहा है, यही चीज ऊपर में बनेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, शूटिंग स्टार। यही चीज नीचे में बन रहा है क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हमर्स हम इसको बोलेंगे, राइट। या फिर ये बोल सकते इन्वर्टेड हैंगिंग बैंक भी आप इसको बोल सकते हो, राइट। अगर वहाँ पे हैंगिंग बोलते तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैंगिंग बैंक हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड हमर्स ये है, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा डोजी कैंडल्स बन रहा है जो ये मॉर्निंग स्टार की तरफ काम कर रहा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जब एक कैंडल्स ग्रीन बन रहा है वो भी कैसा, इन्वर्टेड हमर। दूसरा हमारा जो ये पैटर्न्स बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, वो हमारा बन रहा है मॉर्निंग स्टार की तरफ। तो ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। नाउ हमारा यहाँ पे पोजीशन तैयार हो जा रहा है, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, हम यहाँ पे वेट करते रहेंगे, ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, हमें प्रॉफिट बनता रहेगा। नाउ अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक नेकलाइन, क्योंकि ये कैंडल्स बना, दूसरा जब यहाँ पे आके रुका तो दैट मीन्स यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया, और लाइन खींचने के बाद हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट आप इस कैंडल्स में देखेंगे तो ये एक बड़ा सा विक्स बनाया, इधर भी बनाया, ये डोजी की तरफ बनाया, इसको हम ये कहेंगे लॉन्ग स्पाइक या लॉन्ग विक्स डोजी हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा किस तरह का बन रहा है, इन्वर्टेड हमर्स बन रहा है, लेकिन ये ऊपर बन रहा है। तो ये हमर्स जो हमारे यहाँ, इसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारा बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार, राइट। ये एक स्टार बन रहा है। आप यहाँ पे पैटर्न्स किस तरह के, हमर है, इवनिंग स्टार्स है, अगेन डोजी है, अगेंस्ट हैंगिंग मैन जो है, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन हम कह सकते हैं। यहाँ से इतने सारे पैटर्न्स हमें दिखा रहे हैं कि अब ये प्राइस नीचे की तरफ जाने को तैयार है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया तो आपका ये कैंडल आपके कंप्लीट रूप से स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो खाने दो भाई, एक बार हमारा चला गया तो जाने दो, क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया, और यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है क्योंकि हमेशा हम प्रॉफिट में नहीं हो सकते, और यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल सुना है कि आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, हो सकता है आपने कुछ थोड़ा सा लॉस किया होगा, इट्स ओके, यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ, यहाँ पे आपको लॉस हुआ होगा अगर आपने इस पैटर्न पे काम किया तो। नाउ अगेन यहाँ पे क्या है कि ये डोजी कैंडल्स है, इसके बाद में क्या देखा, ये रेड कैंडल्स के बाद अगेन हमारा डोजी कैंडल्स वो बन रहा है, इस स्पाइक का ये इस विक से ऊपर है। दूसरा ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, ये भी स्पाइक और इस विक से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रेंड्स ऊपर की तरफ बन रहा है। अब यहाँ से ट्रेंड्स ऊपर जा रहा है तो दैट मींस एक शोल्डर यहाँ, दूसरा शोल्डर यहाँ, और यहाँ से ऊपर की तरफ बन जाए तो दैट मींस इस तरह के भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बन सकते हैं। इसलिए हमने आपको बोला था हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा, चेंज होता रहेगा, अप्स डाउन्स होंगे, बट आपको पैटर्न समझने की जरूरत है, राइट। इस तरह से हमें काम करना होता है। तो अब हमें नेक्स्ट में, आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझाया, एक एक कैंडल्स पैटर्न्स की बात किया, हमने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स की बात किया है, और सारे पैटर्न्स आपको इसी तरह से काम करने हैं। तो नेक्स्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तरीके से समझ में शायद आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा, थोड़ी सी भी किसी तरह की कोई इशू हो रहा है, आप लगातार इसको दो या तीन बार आप इसको समझने की कोशिश करें, कौन से कैंडल, सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानने की कोशिश करें कि वहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक किधर बन रहा है, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद हमें प्राइस एक्शन किस तरफ मूव होगा, ये प्रोटेक्शन कैसे हम कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नाउ जो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो मैं अभी समझा रहा हूँ, और ये सारी चीजें जब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं समझेंगे, चार्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको बस ये होगा कि आपको दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ आपको कैसा लगता है कि चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कंप्लीट वीडियोज एंड सीरीज है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। नाउ चार्ट पैटर्न्स पे मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको मैं आप ये समझता हूँ कि हो सकता है आप बहुत ज्यादातर समझ में आ चुका होगा, और आपको ये वीडियो जरूर अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अगर आपके
इंफॉर्मेशन में या आपके नॉलेज में मैं कुछ और भी ऐड कर पा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लास्ट में आपसे जरूर बोलूंगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियोज, थैंक्स अ लॉट।